कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी के सामने हुई नारेबाजी से सीएम ममता बनर्जी नाराज। कहा, सरकारी कार्यक्रम में किसी को बुलाकर बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया स्मृति डाक टिकट और सिक्का। पीएम मोदी बोले, बन रहा है नेताजी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत। एम्स के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ 2016 में बदसुलूकी के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को 1,00,000 जुर्माने के साथ 2 साल की सजा। ऊंची अदालत में अपील के लिए मिली जमानत। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स में भर्ती करने की तैयारी, केवल 25% काम कर पा रही हैं किडनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन घेरने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चली लाठी और वाटर कैनन। कृषि कानूनों के विरोध में था मार्च। ईसाई प्रचारक पॉल दिनाकरन के चेन्नई स्थित जगहों पर इनकम टैक्स के छापे। 120 करोड़ रुपए की संपत्ति और 5 किलो सोना बरामद करने का दावा। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोमवार से शुरू होगी सुनवाई। चलेगा बगावत उकसाने का मुकदमा। 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया संदिग्ध युवक, अपने बयान से पलटा। पहले मीडिया के सामने कबूली थी पुलिस के इशारे पर हिंसा की साजिश रचने की बात। और दिल्ली में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान शिमला से भी 1.5 डिग्री कम हुआ दर्ज। प्रदूषण की वजह से हवा भी पहुंची बहुत खराब श्रेणी में।